दोस्तों आज मैं अपने घर पर गर्मियों की सब्जी लगाने की शुरुआत कर रहा हूँ और गर्मियों की सब्जियों के साथ मैं कुछ चुनिंदा गर्मियों में लगाए जाने वाले फूल भी आज अपनी छत पर लगाने जा रहा हूँ। तो लगाने से पहले मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक अपडेट दे दूँ, तो आप भी अपने घर पर गर्मियों में ये सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कद्दू के बीज खरीद लिए हैं मार्केट से और ये कुछ इस तरह से आप भी कद्दू अपने घर पर गर्मियों में लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आती है लौकी, ये आप देख सकते हैं घिया, ये भी मैंने इसके भी बीज खरीद लिए हैं और ये भी आप अपने घर पर गर्मियों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है ककड़ी, ये आप देख सकते हैं, इसको लॉन्ग मेलन भी कहते हैं, ये ककड़ी है, ये भी गर्मियों की सब्जियों में शामिल है। लास्ट इसके साथ हमारा है करेला और ये करेले भी आप अपनी छत पर लगा सकते हैं, इसकी भी बेल आती है। दोस्तों ये सारी सब्जियां बेल वाली हैं, गर्मियों में मैक्सिमम सब्जियां बेल वाली होती हैं। अच्छा, इधर साथ में ये है तोरी, ये आप देख सकते हैं तुरई की सब्जी, ये भी मुझे बहुत पसंद है और ये हम अपनी छत पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी सब्जियां हैं, ये देखिए खीरा, कुकम्बर, ये भी अपनी छत पर हम लगाएंगे। काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं गर्मियों में हमें। ये साथ में देखिए भिंडी, ओकरा, ये भी हम अपनी छत पर लगाएंगे। और ये है फ्रेंच बीन्स। दोस्तों फ्रेंच बीन्स तो छोटे से गमले में भी लग जाती है, 12x12 इंच के गमले में, तो ये हम छत पर लगाएंगे। इसके साथ ये है जुकीनी। दोस्तों कुछ लोगों को जुकीनी बहुत पसंद होती है, उस लिस्ट में मेरा भी नाम आता है और ये भी मैं अपनी छत पर लगाऊंगा। और साथ में है बैंगन। बैंगन दोस्तों ये हाइब्रिड बैंगन है, गोल, बहुत बड़े साइज में नहीं होते, ये ऑलरेडी मेरी छत पर लगे हुए हैं तो इनको मैं एक दो पौधे और लगाऊंगा ताकि नए पौधे सिंगल सिंगल 12x12 इंच के ग्रो बैग में इसको मैं लगा लूँगा। तो साथ में कुछ फूल भी मैंने चुने हैं। एक ये दोस्तों सनफ्लावर है, ये मैं आज इसके भी बीज लगाऊंगा। और ये है जीनिया, जीनिया के बीज अपनी छत पर मैं लगाऊंगा, जिससे कि जीनिया के ये कलरफुल फूल आएंगे, इसमें मिक्स हैं सब कलर्स के। एक साथ में ये है वाइट जीनिया, ये भी अपनी छत पर मैं लगाऊंगा। तो दोस्तों इसके साथ मैंने तैयारी कर ली है कुछ ये टैग्स बनाने की। तो ऐसे मैंने कुछ टैग्स बना लिए हैं घर पर ही, जो गत्ता होता है कार्डबोर्ड उसको काट के उसके ऊपर मैंने टेप लगा ली है ताकि ये वाटरप्रूफ रहे और इसमें जो मार्कर से मैंने लिखा है वो मिट ना जाए पानी लगने से। साथ में कुछ ये जो तीले होते हैं घर पर, झाड़ू के तीले होते हैं, उनकी मदद से आप ये एक सस्ता टैग्स बना सकते हैं। हमें ऑनलाइन या बाज़ार से टैग्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो काम हमारा सस्ते में हो सकता है उसको हम घर पर ही कर लेना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने सीडलिंग मिक्स बनाकर रखा हुआ है, इसकी सीडलिंग मिक्स बनाने की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको जानना है कि सीडलिंग मिक्स कैसे बनाना है तो वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियोस में मैं ये एक एक पौधा आपको बताऊंगा कि इनके बीज कैसे लगाने हैं। आज की वीडियो में बस मुझे ये बताना था कि मैं अपने घर पर गर्मियों की शुरुआत कैसे करने जा रहा हूँ और मेरी क्या प्रिपरेशन है सब्जियों में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी ढेर सारी वीडियोस आपको समय समय पर मिलती रहें। थैंक यू।